हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब व्लॉग। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, अभी 9 बज रहे हैं। और जो लड़की ऐसे 12-12:30 बजे सो के उठती है, आज मैं उठ चुकी हूँ 9 बजे, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। और बर्थडे वाले दिन मैं नहीं चाहती कि मैं आधे दिन सोने में वेस्ट कर दूँ। बर्थडे वाला दिन ना पता नहीं चलता कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए ना मैं बर्थडे वाले दिन जल्दी उठ जाती हूँ। और अब से मैंने ये सोचा है कि मैं आने वाले दिनों में भी जल्दी उठने की कोशिश करूँगी, प्लानिंग चल रही है। पर हाँ, ये होता है कि एक बार हमारी आंखें अच्छे से हमने खोल ली ना बैठ के, तो हाँ फिर हम उठ सकते हैं, ये मैंने देख लिया है। तो देखते हैं आज हम क्या धमाल मचाते हैं। अभी दिन तो शुरू हो चुका है लेकिन ख़त्म कब होगा पता नहीं चलेगा, ऐसे ही बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है बर्थडे वाला दिन। बाकी दिन फिर भी लगता है कि हाँ अपने टाइम से ख़त्म हो, लेकिन बर्थडे वाला दिन ऐसा लगता है शुरू कब हुआ ख़त्म कब हुआ पता ही नहीं चलता। तो अभी तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी, फिर मैं रात को फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूंगी। तो आज अब मेरा व्लॉग देखने वाले हो शुरू से लेके रात तक। उठ तो मैं नहीं हूँ, पर अब है मेन टास्क और वो है रेडी होने का और नहाने का सुबह सुबह, तो वो मैं करने जा रही हूँ। गाइस, अभी तो मैं सुबह उठ के ना एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है आज की तो रूटीन यही बनी है कि सुबह उठी हूँ और फ्रूट्स खाए और एक्सरसाइज कर रही हूँ। धीरे धीरे देखते हैं ये प्लान मैं कितने दिन फॉलो कर पाती हूँ, पर हाँ ये मेरा बर्थडे रेजोल्यूशन है। ये तो मानना पड़ेगा जिस दिन हम जल्दी उठते हैं ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। और मैं दिन में लेट उठ के बहुत चीज़ें मिस कर रही हूँ। तो मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ और अब हम निकल गए हैं घर से, और देखते हैं अब हम कहाँ जा रहे हैं, अभी डिसाइडेड नहीं है कहाँ जाएंगे। इससे पहले हम कहाँ जाने वाले थे आज? गुंबद कैंप। क्या हुआ वहाँ जाके? पोपट हो गया हमारा। मैं तभी मना कर रही थी पहले गुंबद कैंप जाने के। वो एरिया ऐसा है कि वहाँ हम रेडी होके नहीं जा सकते। पर वो बहुत अच्छा बना। अच्छा है लेकिन रेडी होके नहीं जा सकते।